हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। मेरा नाम है संभव जैन एंड आज का लेक्चर बेस्ड है ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन। शुरू करने से पहले आप सबको अवेयर कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट्स प्लस सब्जेक्ट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तीनों के हैंडल्स आपके सामने दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है डाटा इंटरप्रिटेशन का लेक्चर वन। डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 से 15 नंबर प्री में आते हैं 35 में से, और मेंस में 20 से ऊपर नंबर का ये पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से देखना है और मेरी अप्रोच को बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, ठीक है। आज मैं आपको इसके पाई चार्ट पे पहला लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो रूल नंबर वन है डीआई को सॉल्व करने का कि डायरेक्शंस को पढ़ना। यहाँ पे डायरेक्शंस क्या लिखी हैं? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। बेसिकली ये कह रहा है कि एक किताब बन रही है और किताब को बनने में जो कॉस्ट आ रही है उसके कितने कितने प्रतिशत भाग है वो आपके सामने डायग्राम में दिए। जैसे एक किताब बनती है तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो पड़ रही है वो 20% भाग है। इसी तरीके से जो पेपर कॉस्ट है वो 25% है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे डीआई कहना क्या चाहती है यहाँ पे। तो अब हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ फॉर अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि पब्लिशर प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए ₹30,600 दे रहा है, लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें तो प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है, 20% है उस टोटल के जो किताब बनने में लग रहा है। यानी कि अगर 20% 30,600 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 1% बराबर होगा 30,600 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 1530, ठीक है। सिंपल, 20 अगर 30,600 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसने पूछा है कि अगर मेरे पास 1% 1530 के बराबर है तो 15% किसके बराबर है? 15 क्यों लिखा गया? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉयल्टी जो है वो कितना अमाउंट शो कर रही है किताब को बनाने के लिए। अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो रॉयल्टी है 15% के बराबर, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 20 इतने के बराबर है तो 15 कितने के बराबर होगा, ठीक है। हमने क्या किया स्टेप में, पहले 20 जो दिया था उसे 1% निकाल लिया कि 1% कितने के बराबर होगा। अब हमें 1% तो मिल गया है, तो अब हमने 15 निकालना है, तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी, ठीक है। जो रॉयल्टी है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 15%, ठीक है। उस पे पूछा है कि इसका सेंट्रल एंगल कैसे बन रहा है। देखो सेंट्रल एंगल निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे भी हमें परसेंटेज दी हो और हमें उसका सेंट्रल एंगल पूछा हो डिग्री में, तो हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 से, ठीक है। और अगर इसका ऑपोजिट पूछा हो, हमें वहां पे डिग्री दी गई हो डायग्राम में और परसेंटेज पूछी हो, तो हमने इसको डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है रॉयल्टी है 15% के बराबर। अगर 15% के बराबर है रॉयल्टी तो हमें डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो मैंने रेड से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू डिग्री। परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दी गई है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 360 कर दो आप, ठीक है, इंटू 360 कर दो। अब यहाँ 15% है, 15% को मैंने कितना लिखा, 15/100। आप सब जानते हैं परसेंटेज को अपॉन 100 फॉर्म में लिखते हैं, इंटू क्या कर दिया 360, कितना आ गया 54 डिग्री, ठीक है। तो जो रॉयल्टी का सेंट्रल एंगल होगा वो कितना होगा, 54%। अब यहाँ पर जो बच्चों से सुन रहे हैं वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि प्रिंटिंग कॉस्ट का अगर यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूछा गया होता तो वो कितना होता। सारे बच्चे नीचे कमेंट करेंगे, जो जो ध्यान से सुन रहे हैं, जिनको समझ आ रहा है। अब जिनको समझ नहीं आ रहा वो नहीं कर पाएंगे, जिनको समझ आ रहा है वो करेंगे। प्रिंटिंग कॉस्ट है 20% यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई, इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा ये सारे नीचे कमेंट करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, ठीक है। रॉयल्टी कितनी कम है प्रिंटिंग कॉस्ट से।
अब आपने यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, देखिए जब भी क्वेश्चन में लेस या मोर ऐसे दो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए गए हो ना, तो आपने समझ जाना है कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन पूछा है और हमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन ऐसी चीजें परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, लेस, ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, दो चीजों के बीच में कंपेयर करेंगे। किन दो चीजों के बारे में पूछा गया, रॉयल्टी और प्रिंटिंग कॉस्ट के बारे में पूछा गया। मैंने क्या किया, इनका डिफरेंस ले लिया, कितना आया, रॉयल्टी दिया है 15% और प्रिंटिंग कॉस्ट दिया है 20%, कितना आ गया 55% आ गया, 20-55% आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, परसेंटेज की फॉर्म में इन दोनों का कंपैरिजन पूछा। जब भी आपको कंपैरिजन दिया होगा क्वेश्चन में, तो एक ही ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है आपने, जो चीज पहले है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि कितनी लेस है, ठीक है, यानी कि लेस कितना हो गया, 5% वाली टर्म ऊपर आएगी, और जो चीज बाद में पूछी है दैट इज प्रिंटिंग कॉस्ट, वो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो फर्स्ट टर्म ऊपर सेकेंड टर्म नीचे, ठीक है, डिफरेंस कितना है 5% ऊपर आ गया, सेकेंड टर्म है प्रिंटिंग कॉस्ट 20% नीचे आ गया, ठीक है, कितना आंसर आ गया 5/20 × 100% फॉर्म में निकाला 25%, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम वापस आपको एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लीट फ्री क्लासेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके डाउट्स को सॉल्व नहीं किया जाएगा, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे, हर क्वेश्चन आपको, अगर आप पूछेंगे नहीं आता कुछ नहीं है तो हम वापस आपको एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में टोटल 3 ही क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि मैं चाहता था कि एक लाइट नोट पे शुरुआत की जाए डाटा इंटरप्रिटेशन की। आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, इतने एडवांस करेंगे कि आप पूरी तरीके से डाटा इंटरप्रिटेशन पे जीनियस, पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाएंगे इस पे, ठीक है। तो इस वीडियो से इतना ही, अगर आपको समझ आया है जो मैंने समझाया है और आपको अच्छी लगी वीडियो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ जब हम वो अपलोड करें तभी आपको वो मिल जाए, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।